कमिन सर। मैं कमिन सर। कमिन कमिन, कहाँ थे रे तुम दोनों? 20 मिनट लेट हो आज। सर जी, हम आपके लिए गिफ्ट खरीदने गए थे जी। आप हमारे फेवरेट सर हो ना? ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए जी अपने शिष्य से। और सर, ये मेरे तरफ से सर, हैप्पी टीचर्स डे। जाओ दोनों अपने अपने सीट पे बैठ जाओ। बच्चों, आप सब लोगों का गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलो सभी लोग किताब निकालो, पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या सर, रोज पढ़ाई 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 तो करते हैं। सर आज टीचर्स डे है, आज कुछ मनोरंजन कराइए, कुछ खेल कूद कराइए ताकि मजा आए, पता लगे कि आज टीचर्स डे है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। सही बोल रहा है सर, ये आज का दिन कुछ अलग होना चाहिए, मजा आना चाहिए। जी सर, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ जी सर, आज कुछ खेल खिलवाइए। शांत हो जाओ। चलो ठीक है, आज हम एक खेल खेलते हैं। मजा आएगा, अब तो मजा आएगा। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। हाँ जी सर, जल्दी स्टार्ट करवाइए जी। हाँ, तो सभी बच्चे शांति बनाए रखें और जितना मुझसे बच सकते हैं बचें। सर जी, ये तो बता दो कौन सा गेम खेलेंगे। तो बच्चों, आज हम पता है कौन सा गेम खेलेंगे, सिट और स्टैंड। आप लोगों को तो इस गेम के बारे में पता ही होगा। तो बच्चों, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना। खड़े हो जाओ। गुड गुड। और सिट का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ। बैठ जाओ। गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ये गेम तो बहुत सिंपल है सर। हाँ हाँ, पता है, बहुत सिंपल गेम है। लेकिन पूरी बात तो सुनो, गेम का रूल तो सुनो। जो बच्चा गलत करेगा उसे हम सब मिलकर एक सजा देंगे और उसे वो सजा माननी होगी। क्या सर, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर गेम है। हाँ तो बच्चों, सभी लोग तैयार हो? यस सर। तो चलो ठीक है, गेम स्टार्ट करते हैं और जितना मुझसे बच सकते हो तुम लोग बचो, फिर देखते हैं कि सबसे पहले सजा किसे मिलती है। तो स्टार्ट करें? हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए जल्दी से। 3, 2, 1 स्टैंड, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, सिट, सिट, सिट। समोखन, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। समोखन पकड़ा गया। हाँ यार समोखन, तू खड़ा हो जा यार, खड़ा हो जल्दी से भाई, ये बेईमानी नहीं चलेगा तेरा। सर मुझे लगा ना आप स्टैंड बोलने वाले हो। हाँ तो समोखन, तुम रेडी हो जाओ अपना सजा सुनने के लिए। जी सर, बोलिए क्या करना होगा मुझे। सर जी, इसे डांस करवाओ जी, डांस। नहीं सर जी, इसे गाना गवाओ जी, गाना। सर जी, इसे शायरी बुलवाइए जी, बहुत अच्छी शायरी बोलता है। सभी लोग चुप हो जाओ, आज टीचर्स डे है ना, तो आज मैं डिसाइड करूंगा कि इसे क्या करना है। तो समोखन, आपकी सजा ये है कि आपको अपनी एक सीक्रेट बात बतानी है जो आपने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। सीक्रेट बात? सीक्रेट बात वैसी तो कोई सीक्रेट बात है नहीं सर, आप गुस्सा करोगे सर अगर बताऊंगा तो। नहीं नहीं, आज के दिन सब माफ है। वैसे तो बताऊं तो कोई सीक्रेट बात मेरी है नहीं, पर एक बात है, पर उसके लिए आप किसी को बताओगे नहीं अगर वो बात आप जान गए तो। हाँ हाँ, कोई किसी को भी नहीं बताएगा, चल शेयर कर अपनी सीक्रेट बात। ये बात है ना पिछले महीने की है, मैंने ना मैथ की कॉपी नहीं बनाई थी और 10 एक्सरसाइज पूरे हो गए थे और अब कॉपी चेक करवाने वाला दिन आ गया। मैथ वाले समकी सर थे, जो आप लोगों को पता ही है कितने स्ट्रिक्ट हैं, अगर उनको पता लगता तो वो तो मेरी जान ही ले लेते। 10 एक्सरसाइज पूरे हो गए थे और सब बच्चों ने यहाँ तक कि 50-50 पेज भर लिए थे अपने कॉपी के, और मेरे पास तो केवल रफ कॉपी थी। उस रात को तो मेरे को नींद नहीं आई कि मैं सुबह क्या चेक कराऊंगा। अच्छा, फिर आगे? फिर आगे क्या, चेकिंग का दिन आ गया, 19 रोल नंबर तक कॉपी चेक हो गई, मेरा रोल नंबर था 20वां, मेरी तो फटी पड़ी थी, अब क्या होगा मेरा। फिर अचानक से घंटी बज गई, फिर जाकर मेरे सांस में सांस आया। पर सनकी सर निकले दिमाग वाले, वो बोले ना कि आप लोग अपनी अपनी कॉपी इकट्ठी करके दे दो, मैं चेक करके वापस कर दूंगा। फिर समोखन क्या हुआ यार? फिर तो मेरी दोबारा फट गई, अब मैं क्या करूं? फिर मैंने लगाया अपना टैलेंटेड दिमाग, तुरंत मैं उठ गया और बोला लाओ सब अपनी अपनी कॉपी इकट्ठा कराओ, मेरे पास जमा करवाओ जल्दी अपनी अपनी कॉपी। फिर मैं सबकी कॉपी इकट्ठा करने लगा। अरे वाह, फिर? फिर क्या, हम लोग जैसे मैथ में मान लेते हैं ना कि मूलधन 100 रुपए है, उसी तरह मैंने भी मान लिया कि मैंने भी कॉपी दे दिया है इसी में। फिर क्या हुआ? अब तो कॉपी की टेंशन सनकी सर का। फिर 2 दिन बाद कॉपी चेक कर सर ले आए, क्लास में सबको देने लग गए, पर उसमें मेरी कॉपी नहीं थी, और कहां से होगी भी, मैंने दी ही नहीं थी तो होगी कहां से। फिर सर ने जब सबकी कॉपी दे दी ना, तो मैं गया सर के पास, बोला सर मेरी कॉपी नहीं आई, कहां गया मेरा कॉपी। फिर सर ने बोला शायद स्टाफ रूम में रह गया है, मैं ढूंढ के दे दूंगा। फिर मैं बोला चलो ठीक है सर, याद से दे देना। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या, अगले दिन मैं फिर सीधे स्टाफ रूम में पहुंच गया, बोला सर मेरी मैथ वाली कॉपी। फिर सर ने बोला मैं तेरी कॉपी स्टाफ रूम में ढूंढ रहा था पर मिली नहीं, शायद मेरे घर में रह गई होगी, कल मैं लाके दे दूंगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर, याद से ले आना कल।
अगले दिन ना मैं फिर पहुंच गया स्टाफ रूम में, बोला सर मेरी मैथ वाली कॉपी। फिर सर ने बोला हाँ हाँ बेटा तेरी कॉपी घर में ढूंढा था, मुझे मिल गया था, मैं कल ला दूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा क्या बात है, मैं सबका काट रहा हूँ और सर मेरा फुद्दू काटने में लगे हैं, कॉपी जब मैंने बनाई ही नहीं है फिर आपको मिल कैसे गया? अच्छा मतलब सर भी बेवकूफ बना रहे थे? हाँ हाँ। फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है सर, कल ला देना यहाँ से, पक्का ला देना। फिर सर ने बोला ठीक है ला दूंगा। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं फिर पहुंच गया सवेरे सवेरे स्टाफ रूम में, सर अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे। मैंने बोला कि मेरी मैथ वाली कॉपी सर। फिर सर बोले समोखन बेटा मुझे लगता है ना कि आपकी कॉपी मुझसे गुम हो गई है। फिर मैं चिल्ला के बोला ये सुनने से पहले धरती क्यों नहीं फट गई, ये सुनने से पहले ये आसमान क्यों नहीं फट गया, हे भगवान ये मैंने सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, आपने क्या कर दिया सर, इतना सारा होमवर्क दोबारा कौन लिखेगा, कौन फार्मूले याद करेगा, मैं एग्जाम में कैसे तैयारी करूंगा, और तैयारी नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, मेरे घर में 4 बहनें हैं उनकी शादी करवानी है, मेरे पापा को शुगर की बीमारी है, मैं कैसे पास होऊंगा सर, कैसे मेरे को नौकरी मिलेगी। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मैं बोला और मैं जमीन पर लेट गया और ज्यादा खूब ज्यादा चिल्लाने लग गया। फिर सर ने बोला समोखन बेटा तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर 10वीं एक्सरसाइज से लिखना शुरू कर दे और ये ले 100 रुपए, बढ़िया सा रजिस्टर ले लेना, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे सर। फिर मैं रोते रोते बोला चलो सर ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्टाफ रूम के बाहर आया, मैं ऐसा नाचा, इतना डांस किया कि डांस इंडिया डांस वाले देखते तो अवार्ड दे देते मुझे। अरे वाओ क्या दिमाग पाया है समोखन तू। अरे आगे तो सुनो, अगले दिन ना सनकी सर 10 एक्सरसाइज का फोटोकॉपी करवा के लाए, मुझे देकर बोले बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर बर्फ रगड़ दिया हो, इतनी ठंडक मिली मुझे। फिर क्या हुआ? उस दिन मुझे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी नहीं हूँ, मैं किसी देवता का अवतार हूँ। मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू। तुम लोग तो बहुत ही पहुँचे हुए चीज हो रहे। और सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, ये बात मैथ वाले सब तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो अपने बारे में सोच लेना। चलो सर खेल आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो सभी लोग रेडी हो जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। तो 3, 2, 1 स्टैंड सिट। सर जी ये बैठ गया, गंजा बैठ गया। गंजे की बारी। जी सर बिल्कुल, इसने गलत किया सर, इसकी बारी आ गई। हाँ जी सर गंजे की बारी है जी, वो बैठ गया था, मैंने भी देखा था। बाकी सभी बच्चे बैठ जाओ और गंजे तू अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। सर मेरी तो कोई सीक्रेट बात नहीं है। कैसे नहीं है तेरी कोई सीक्रेट बात, सबकी कोई ना कोई एक सीक्रेट बात होती है। चल बता जल्दी से अपनी सीक्रेट बात। बताओ बच्चे बताओ, डरो मत, कोई भी अपनी एक सीक्रेट बात बता दो। मेरी तो एक सीक्रेट बात है कि मैं बहुत साल पहले सिगरेट पीता था। गजब बेटा गजब, नशेड़ी है सर ये, पक्का नशेड़ी है, शकल से ही नशेड़ी लगता है, खुद बोल रहा है अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीता था। सर ये नशेड़ी, इसकी आंखें बता रही है कि नशेड़ी है, गंजा अभी भी पीता होगा कोई पता नहीं है। सर इसको चुप करवा लो, ज्यादा बोल रहा है। सर मुझे लगता है तभी इसके सर पे बाल नहीं आ रहा है सर, ये नशा करता है। अब नहीं पीता हूँ, बहुत दिन हो गए इस बात को, बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है, 500-600 साल हो गए क्या? बैठ जाओ सब बैठ जाओ, सिगरेट पीना बहुत गलत बात है। चलो आगे गेम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 सिट स्टैंड। सर जी मोनू की बारी है जी, मोनू की। जी सर इसने गलत किया जी, मोनू की बारी है। सर जी दीजिए सजा मुझे, दीजिए बताइए मुझे क्या करना है, नाचना है मुझे, गाना है मुझे, बताइए क्या करना है, मैं करने को तैयार हूँ, मैं डरता थोड़ी ना हूँ किसी से। नहीं नहीं तेरी भी यही सजा है कि तू भी अपनी कोई एक सिगरेट बात बता सब लोगों को। वैसे मेरी तो कोई सिगरेट बात है नहीं, सब पब्लिक ही है। बकवास ना कर और जल्दी से अपनी कोई एक सिगरेट बात बता, हमारा टाइम ना खराब कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। चलो ठीक है, सभी लोग ध्यान लगा के सुनो। एक बात है, बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात है, बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। बहुत कितना, देश आजाद होने के पहले की बात है क्या? सर जी इसको देख लीजिए, अभी इसकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। ओए तू बकवास ना कर और मनु तू अपनी सिगरेट बात बता जो बताने जा रहा था। अच्छा ठीक है, जब इतना बोल रहे हो तो बताता हूँ, बहुत ही पुरानी बात है। तो सुनिए, हमारा एग्जाम हो रहा था और अगले दिन था मेरा अंग्रेजी का पेपर, अंग्रेजी और मेरा रिश्ता इस तरह है कि जैसे राहुल गांधी और कैटरीना कैफ का। क्या उनका क्या रिश्ता है? कुछ भी
ही नहीं, आधा सिलेबस तो मैंने याद कर लिया था और मैंने सोचा कि मेरे आगे तो टॉपर बैठता है, उसके भरोसे चला गया। अगले दिन जाके मुझे पता चला कि मेरा सीट सबसे आगे है। फिर क्या हुआ? पहले तो मैं बहुत डर गया था, फिर लेकिन मैंने सोचा शायद भगवान चाहते हैं ना कि मुझे जितना पेपर आता है मैं उतना ही करूं। फिर आगे? फिर मुझे जब पेपर मिला तो मैंने देखा कि आज तो अंग्रेजी का नहीं मैथ का पेपर है। मेरा तो सांस फूलने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर 3 घंटे के पेपर में 2.5 घंटे मैं अपने सर पर हाथ रख के बैठा रहा। उसके बाद मैंने चलाया अपना फालतू दिमाग। मैंने सोचा अगर पेपर खाली छोड़ दूंगा तो टीचर मुझे फेल कर देगा, इसमें ना उसका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। फिर मैंने अपनी जेब से निकाला 100 रुपए का नोट और पेपर में चिपका दिया। अब टीचर का भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। वाह मुनु वाह, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का। आगे फिर क्या हुआ? फिर पेपर खत्म हो गया और एक दिन टीचर ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मैं गया तो वो पेपर चेक कर रहे थे। फिर वो मुझे बोले कि तूने 100 रुपए पेपर में रखा है तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे पास कर दूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं तो गया, टीचर तो बहुत ईमानदार आदमी निकला। फिर तेरी कुटाई हुई अच्छी तरह से? नहीं नहीं सर नहीं, वो बोले 500 लगेगा। क्या? फिर उन्होंने बोला कि सभी लोगों ने 500 रुपए रखे हैं पेपर में और तू 100 रुपए में टरका रहा है मुझे। फिर आगे तूने दिए पैसे उनको? फिर मैंने 100 रुपए का नोट वापस ले लिया और मैंने सर जी को बोला सर आप मुझे पास कर दीजिए, कल मैं आपको 500 रुपए ला के दे दूंगा। फिर मैं पास हो गया और आज तक मैंने 500 रुपए नहीं दिए। वो जब अकेले में मिलते हैं तब बोलते हैं पैसे कब देगा पैसे कब देगा। फिर तू क्या बताता है, पैसे देगा कि नहीं सर को? अरे यार अब तो वो स्कूल ही छोड़ के चले गए और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि 500 रुपए उससे लेने हैं, पिछले साल की बात है। अरे तुम लोग तो बहुत ही हरामी हो रहे। चलो छोड़ो, खेल स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। छुट्टी 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 होगी छुट्टी। हाँ भाई भागो भागो। हैप्पी टीचर्स डे।